मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक धड़क रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है, लेकिन दर्शकों को जाह्नवी कपूर इस रोल में जम नहीं रही है। जाह्नवी के लिए इससे बेहतर डेब्यू हो सकता था। इस फिल्म में सभी जाह्नवी को फिल्म सैराट की हीरोइन रिंकू से कंपेयर कर रहे हैं। जिन्होंने फिल्म देखी सभी का कहना है कि जाह्नवी को देखकर फिल्म में यही लगता है कि उन्हें अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत जल्दी कर दी। पर्दे पर उनकी एक्टिंग में कोई परिपक्वता नहीं है, बल्कि उससे कहीं बेहतर फिल्म के हीरो ईशान खट्टर हैं। बस यही सारी बातें जाह्नवी के पापा बोनी कपूर को हजम नहीं हो रही है। तभी तो उन्होंने जाह्नवी कपूर को हैंडल करने वाली पीआर एजेंसी को बुलाकर उन्हें तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जाह्नवी कपूर का इंटरव्यू मीडिया के सामने सोलो कराया जाए, न कि ईशान खट्टर के साथ। इससे सारा लाइमलाइट ईशान को मिलता है, न कि जाह्नवी को। वैसे बोनी कपूर का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर बॉलीवुड में एंट्री की और उनकी पहली फिल्म इससे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही, तो फिल्म में अर्जुन कपूर से ज्यादा तारीफ परिणीति चोपड़ा की हुई। और फिर अर्जुन कपूर के करियर का क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं कि टू स्टेट और गुंडे को छोड़ दिया जाए तो अर्जुन कपूर के फिल्मी करियर में कोई बड़ी हिट नहीं है। अब बोनी कपूर अपनी बेटी जाह्नवी कपूर को लेकर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। तभी तो बोनी कपूर जाह्नवी कपूर को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गए हैं, ताकि जाह्नवी कपूर मां श्रीदेवी की तरह ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन सके।